हर्ष विहार नंद नगरी फ्लाईओवर अपडेट नंबर 8 दिल्ली पीडब्ल्यूडी का ये प्रोजेक्ट होने वाला है 6 लेन का तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा, जिस पर काम कर रही है राम कुमार कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड। अपडेट नंबर 7 देखी थी हमने पिछले महीने 2 अक्टूबर को, तो आज हम तकरीबन 1 महीने के बाद इस फ्लाईओवर की प्रोग्रेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है हर्ष विहार और नंद नगरी के बीच में। इसकी स्टार्टिंग होती है मंडोली जेल के गेट नंबर 2 के सामने से और एंडिंग होती है नंद नगरी बस डिपो के पास में। प्रोग्रेस देखना हम स्टार्ट करेंगे मंडोली जेल की तरफ से। मंडोली जेल की तरफ बनाई जा रही अप्रोच रोड का काम अभी काफी बाकी है। यहाँ RE पैनल्स को लगाने का काम दोनों साइड में आधा ही पूरा हुआ है। अप्रोच रोड के बाद पहले दोनों स्पैन में स्टील गर्डर्स रखे गए हैं। यहाँ सारे स्टील गर्डर्स की लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में पहले ही स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हुआ था। इस बार आप देख ही रहे हो दूसरे स्पैन में भी गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। आगे की तरफ आपको नजर आएगा डेक स्लैब का काम भी पूरा कर लिया गया। साथ ही साथ यहाँ नीचे की साइड में लेफ्ट साइड की जो सर्विस रोड है उसका काम भी पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में तो सर्विस रोड का काम शुरू नहीं हुआ था, यहाँ पर तो हालत काफी खराब थी। दूसरी साइड में भी सर्विस रोड का काम थोड़ा बहुत हो चुका है। तो देखा आपने गर्डर लॉन्चिंग का काम सारे स्पैन्स में पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ की जो अप्रोच रोड है उसके लिए नंद नगरी डिपो की तरफ RE पैनल्स को लगाने का काम अभी शुरू किया जाना है। डिपो की दूसरी तरफ की जो वॉल होगी उसका तो काम शुरू हो चुका है, लेकिन कोई खास प्रोग्रेस नजर नहीं आई है यहां पर भी पिछली अपडेट के कंपेरिजन से। अब प्रोग्रेस की बात की जाए तो पिछले 1 महीने में काफी सही प्रोग्रेस हुई है। पिछली अपडेट में कुछ स्पैन्स और थे जहां पर गर्डर लॉन्चिंग तक ही काम पूरा हुआ था, इस बार वहां पर डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। साथ ही साथ लेफ्ट साइड की सर्विस रोड भी रेडी हो चुकी है। काम बाकी है तो दोनों तरफ की अप्रोच रोड का और मंडोली जेल की तरफ से पहले दोनों स्पैन में। उम्मीद है यहां पर भी डेक स्लैब का काम इसी साल पूरा हो जाएगा। इस फ्लाईओवर को रेडी होने में 4 से 5 महीने का मिनिमम समय लगने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। आप अपनी राय कमेंट कर सकते हो। बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहां तक देखने के लिए इस वीडियो को आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।